प्यारे बच्चों 1000 डॉलर क्लास दसवीं का लैसन आप कर रहे हैं। पहले भाग में आप किया है कि रॉबर्ट गिलियन की डैथ तो बाद वसीयत अनुसार बॉबी गिलियन 1000 डॉलर मिलते हैं, जिसनों वो मजाक में लेंदा है। उन्हें यह लगता है कि उसका अंकल बहुत अमीर सी, पर थोड़े पैसे उन्हें दिते आ, पर उसू नाल नाल वसीयत जिहड़े उन्होंने वकील आ वो ये कहिंदे आ वी तुसीं 1000 डॉलर नूं खर्च करके इसका हिसाब रखना है, वो हिसाब सानू देना है। बॉबी गिलियन अपने दोस्त अंकल ब्राइसन नूं मिलता है तो उन्हें पुछता है कि मैं 1000 डॉलर का की करा। वो उन्होंने कई तरह के रस्ते दसता है भी तुसीं कित्थे 1000 डॉलर खर्च सकते हो। उस तो बाद आपां उसका सैकेंड पार्ट शुरू करना है। अगे गिलियन फोन फॉर ए कैब एंड आस्क द ड्राइवर टू टेक हिम टू द कोलंबाइन थिएटर। गिलियन ने फोन करके एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर नू कोलंबाइन थिएटर चलने लिए कहा। मिस लोटा लॉरे वॉज आलमोस्ट रेडी फॉर द शो वैन ही हर ड्रेसर मैंशन मिस्टर गिलियनस नेम। लैट हिम इन, सैड मिस लॉरियर। मिस लोटा लॉरियर शो लगभग पूरी तरह तैयार सी जदों कपड़े तैयार करने वाली ने गिलियन दे आउण दी सूचना दित्ती। उस नूं आउण दिओ, मिस लॉरियर ने कहा। नाओ वट इज़ इट बॉबी, शी सैड लुकिंग क्वाइट बोर्ड। हुण की गल है बॉबी, उसने बोर हुंदे होए कहा। आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन 2 मिनट, आई वॉन्ट टेक 2 मिनट, सैड गिलियन। वो कहती है भी मैं 2 मिनटों के प्रदर्शन करने वाली है, यानी वह कोई स्टेज शो या डांस प्रोग्राम से। गिलियन कहता है कि मैं तुहाडे 2 मिनट भी नहीं लवांगा। वट अबाउट ए पेंडेंट, एक झुमकी के विषय में तेरा की ख्याल है। आई कैन स्पेंड 3 सिफर विद ए फिगर इन फ्रंट ऑफ दैम। मैं 3 जीरों तो पहला एक अंक लगाउण जिनी रकम खर्च कर सकता हाँ। ओ जस्ट एज यू से बॉबी, डिड यू सी द नैकलैस डैला स्टैसी वॉज वीयरिंग द अदर नाइट। वो जिमें तू कहीं बॉबी, कि तू वो हार देखा सी जिहड़ा उस रात डैला स्टैसी ने पहनया होया सी। 2200 डॉलर इट कॉस्ट, शी सैड। वो 2200 डॉलर का आया सी, उसने कहा। एंड शी लैफ्ट फॉर हर परफॉर्मेंस। गिलियन वेंट टू द कैब। वो बोली, उन्हें यानी उन्होंने कहा भी वोदी जो इच्छा हैगी 2200 डॉलर दे हार लैंदी है, ना कि झुमकी लैंदी। इस तो ये मतलब निकलता है। वो बोली अते अपने प्रदर्शन लई चले गई। गिलियन टैक्सी वल गया। वट वुड यू डू इफ यू हैड 1000 डॉलर, ही आस्क द ड्राइवर। तू की करदा जे तेरे कोल 1000 डॉलर होंदे, उसने ड्राइवर नूं पुछया। ओपन ए सैलून, आंसर द ड्राइवर एट वंस। मैं एक शराब घर खोल लेंदा, ड्राइवर ने झट जवाब दिता। आई वुड मेक मनी विद बोथ हैंड्स, आर यू थिंकिंग ऑफ। मैं दोहां हत्थां नाल पैसा बनाउंदा, की तू सोच रहा है। ओ नो, सैड गिलियन, मेरली आस्क फॉर क्यूरियोसिटी, ड्राइव ऑन टिल आई आस्क यू टू स्टॉप। ओ नहीं, गिलियन ने कहा, मैं तो केवल उत्सुकता बस पूछा सी, चलो चलते रहो जब तक मैं तेनू रोकने लिए ना कहाँ। 8 ब्लॉक्स डाउन द ब्रॉडवे, गिलियन सा ए ब्लाइंड मैन सेलिंग पेंसिल्स ऑन द साइडवॉक। ब्रॉडवे तो 8 ब्लॉक अगे गिलियन ने पटरी से एक अन्ने आदमी नू पेंसिलां बेचते हुए देखा। गिलियन गॉट आउट ऑफ द कैब एंड स्टूड बिफोर हिम। गिलियन टैक्सी तो बाहर निकलिया तो उस अन्ने व्यक्ति के सामने खड़ा हो गया। एक्सक्यूज़ मी, ही सैड, बट टैल मी वट यू वुड डू इफ यू हैड 1000 डॉलर। माफ़ करना, उसने कहा, लेकिन मैनू दसो कि जेकर तेरे कोल 1000 डॉलर होंगे तो तू की करता। यू हैव गॉट डाउन द कैब जस्ट नाओ, कि तुसी हुणे टैक्सी तो उतरे हो, उस अन्ने व्यक्ति ने पूछा। टेक ए लुक एट दिस इफ यू लाइक, सैड द ब्लाइंड मैन एंड टुक आउट ए स्मॉल बुक फ्रॉम हिज पॉकेट। जरा इधर भी वेखो जेकर तुसी पसंद करो।
उस अन्ने आदमी ने कहा अते अपनी जेब विच्चों एक छोटी जिही किताब कढ़ी। गिलियन ओपनड इट एंड सा इट विद दे सा इट वाज ए बैंक डिपॉजिट बुक। गिलियन ने इसनों खोलिया ते देखिया ये एक बैंक दी पासबुक सी यानी बैंक दी कापी सी। इट शोड ए बैलेंस ऑफ डॉलर 1785 टू द ब्लाइंड मैनस क्रैडिट। पासबुक अनुसार अन्ने आदमी के खाते 1785 डॉलर जमा सन। गिलियन रिटर्न द बुक एंड गॉट इन टू द कैब। गिलियन ने पासबुक वापस की टैक्सी में बैठ गया। टॉलमैन एंड शार्प एट ब्रॉडवे ही टोल्ड द ड्राइवर। टॉलमैन एंड शार्प ब्रॉडवे चलो उसने ड्राइवर नू एड्रैस दसिया। आई बैग यू पार्डन सैड गिलियन चीयरफुली बट मे आई आस्क वन क्वेश्चन। माफ़ करना गिलियन ने खुशी भरे अंदाज विच कहा परंतु की मैं एक प्रश्न पूछ सकता हाँ। होप यू वॉन्ट माइंड आस है तुसी बुरा नहीं मनोगे। वॉज मिस हेडन लैफ्ट एनीथिंग बाय माई अंकल्स विल बिसाइड द रिंग एंड डॉलर 10। की मिस हेडन नू मेरे चाचा जी की वसीयत विच अंगूठी अते 10 डॉलरों तो इलावा भी कुछ मिलिया सी। ये सारे प्रश्न वो वकील टॉलमैन नू पुछदा जिहड़ा वकील उसनू पहला जिन्हें उसनों 1000 डॉलर दिता सी उस वसीयत पढ़ के अनुसार उन्हें वो पैसे दिते सी। नथिंग सैड मिस्टर टॉलमैन। कुछ भी नहीं टॉलमैन ने कहा। आई थैंक यू वेरी मच सर सैड गिलियन एंड आउट ही वेंट इन टू हिज कैब। मैं थोड़ा धन्यवाद करता हाँ गिलियन ने कहा तो वो चले गया। हेडन वॉज राइटिंग लैटर इन द लाइब्रेरी। जदों गिलियन अपने चाचे के घर गया मिस हेडन लाइब्रेरी में पत्र लिख रही थी। शी वॉज स्मॉल एंड सिलेंडर सिलेंडर कहता पतले नूं एंड ड्रेस्ड इन ब्लैक। वो छोटी अते पतली सी अते उसने काली पोशाक पाई हुई सी। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम टॉलमैनस ऑफिस ही एक्सप्लेन्ड। मैं हुणे टॉलमैन दे दफ्तर विच्चों आया हाँ उसने कहा। दे फाउंड ए पोस्ट स्क्रिप्ट टू द विल। उन्हां नूं वसीयत तो बाद लिखा हुआ एक पत्र मिलिया है। इट सीम दैट अंकल ऑन सैकेंड थॉट लूजन ने बिट एंड विल्ड यू 1000 डॉलर। ऐसा लगता है कि चाचा जी थोड़ा सोच विचार करन तो बाद नरम पै गए अते उन्होंने थोड़े नाम ते 1000 डॉलर दी होर वसीयत कर दिती। एज आई वॉज ड्राइविंग दिस वे टॉलमैन आस्क मी टू ब्रिंग द मनी। क्योंकि मैं इतों लंघ रहा सी टॉलमैन ने मैनू वो पैसे तुहानू देन नू कहा। हेयर इट इज़ गिलियन लेड द मनी ऑन द टेबल। ये रहे पैसे गिलियन ने पैसे मेज ते रख दिते। मिस हेडन टर्न वाइट। मिस हेडन सफेद पै गई। ओ आई एम सॉरी सैड मिस हेडन टेकिंग अप हर मनी। मैनू अफसोस है मिस हेडन ने पैसे चुकते हुए कहा। आई एम सॉरी शी सैड अगेन। मैनू अफसोस है उसने दोबारा कहा। देर इज़ नो यूज़ सैट गिलियन आलमोस्ट लाइट हार्टडली। इसका कोई फ़ायदा नहीं है गिलियन ने कहा। मे आई राइट ए नोट आस्क गिलियन विद ए समाइल। कि मैं एक नोट लिख सकता हाँ गिलियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। शी गेव हिम द पेपर एंड दैन वेंट बैक टू हर वर्क। मिस हेडन ने उसनों एक कागज़ दिता और फिर अपने काम करने रुझ गई। गिलियन मेड एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑफ द 1000 डॉलर इन दीज वर्ड्स। गिलियन ने अपने 1000 के खर्च लई ये शब्द लिखे। पेड बाय द ब्लैक शीप रॉबर्ट गिलियन 1000 डॉलर ऑन द अकाउंट ऑफ अटरनल हैप्पीनस टू द बेस्ट एंड डीरेस्ट वूमेन ऑन द अर्थ। अपने परिवार के एक कलंक रॉबर्ट गिलियन द्वारा 1000 डॉलर सदीवी खुशी लई धरती की सर्वोत्तम अते प्यारी औरत नूं दिते गए। ये सारा कुछ उन्हें उस पेपर ते लिखा जिहड़ा उन्हें अकाउंट का हिसाब देना सीगा 1000 डॉलर का। गिलियन स्लिप्ड हिज राइटिंग इन टू एन एनवेलप। एनवेलप हुंदा लफाफा बोर्ड एंड वेंट हिज वे। गिलियन ने अपने लिखे नू एक लफाफे विच पाया सिर चुकाया अते मैं रस्ते विच चला गया। हिज कैब स्टॉप्ड एट द ऑफिस ऑफ टॉलमैन एंड शार्प। उहदी टैक्सी टॉलमैन एंड अते शार्प दे दफ्तर ते जाके रुकी। I have spent the $1000, he said cheerfully to Mr. Tallman, and I have come to give you the account. मैं 1000 डॉलर खर्च कर दिता है उसने खुश होंदे हुए टॉलमैन नू कहा अते मैं तुहानू हिसाब देन आया है।
ही टॉस द एनवलप ऑन द टेबल। उन्हें लिफाफे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ। ਵਿਦਆਊਟ ਟੱਚਿੰਗ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ ਮਿਸਟਰ ਟੋਲਮੈਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਡੋਰ ਐਂਡ ਕਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਰਪ। ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹੇ ਟੋਲਮੈਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਾਰਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਟੁਗੈਦਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਮਿਸਟਰ ਟੋਲਮੈਨ ਸੈਡ, ਮਿਸਟਰ ਗਿਲੀਅਨ, ਯੂਅਰ ਅੰਕਲ ਹੈਡ ਲੈਫਟ ਐਨਦਰ ਐਨਵੈਲਪ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਓਪਨਡ ਆਫਟਰ ਯੂ ਹੈਵ submitted an account of spending the $1,000 bequest in the will। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਗਿਲੀਅਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫਾ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ $1,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮਾਈ ਪਾਰਟਨਰ ਐਂਡ ਆਈ ਰੈਡ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਐਨਵੈਲਪ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਡਿਟੇਲਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਦਾ ਜਿਸਟ, ਜਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿਚੋੜ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਦਾ $100 ਵਾਈਜ਼ਲੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਯੂ $5,000 ਕੈਪਟ ਫਾਰ ਯੂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ $1,000 ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ $5,000 ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਸਪੈਂਡ ਦਾ ਮਨੀ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਡਿਡ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਦਾ $5,000 ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਮੀਰੀਅਮ ਹੈਡਨ, ਦਾ ਵਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਲੇਟ ਮਿਸਟਰ ਗਿਲੀਅਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਮਿਸ ਹੈਡਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Now, Mr. Gillian, we will examine your account in regard to $1,000. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ $1,000 ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਟੋਲਮੈਨ ਰੀਚ ਫਾਰ ਦਾ ਐਨਵਲਪ, ਉਹਨੇ ਟੋਲਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਿਫਾਫੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਗਿਲੀਅਨ ਵਾਸ ਏ ਲਿਟਲ ਕੁਇਕਰ ਇਨ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਅਪ। ਗਿਲੀਅਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੀ ਟੋਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕਵਰ ਐਂਡ ਡਰੋਪ ਦੈਮ ਇਨ ਟੂ ਹਿਸ ਪੋਕਟ। ਉਸਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਟਸ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਹੀ ਸੈਡ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਬੋਦਰ ਯੂ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਐਨੀ ਹਾਓ ਆਈ ਲੋਸ ਦਾ $1,000 ਔਨ ਦਾ ਰੇਸਿਸ, ਗੁੱਡ ਡੇ ਟੂ ਯੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ $1,000 ਨੂੰ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਮਿੱਤਰੋ। ਟੋਲਮੈਨ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੁੱਕ ਦੇਅਰ ਹੈਡ ਇਨ ਡਿਸਗਸਟ ਐਂਡ ਲੁਕਡ ਐਟ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਹਰਡ ਗਿਲੀਅਨ ਲੀਵ ਦਾ ਰੂਮ ਵਿਸਲਿੰਗ। ਟੋਲਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ, $1,000 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ $1,000 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਗਿਲੀਅਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ $5,000 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।